पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजद सुप्रीमो लालू यादव और बेटे तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामलों में अब ईडी ने पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि ईडी ने आज पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और अब 13 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी। ईडी ने 1000 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राजद नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में 13 अगस्त को होगी। इस मामले को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी आ रही है। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से तमाम जो नेता है इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आरोप के अनुसार रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने भारतीय रेलवे के 11 जोन में ग्रुप डी की बहालियों में भ्रष्टाचार किया था और लोगों की जमीनें और फ्लैट लेकर उन्हें रेलवे की नौकरी दी थी। इस मामले की सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी जांच कर रही है। जांच में यह बातें सामने आई है कि लालू ने अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर इन जमीनों की रजिस्ट्री कराई है। इस केस में सीबीआई और ईडी ने इस मामले में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, दूसरी बेटी हेमा यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं बता दें कि ईडी और सीबीआई ने इस मामले में भोला यादव और अमित कात्याल के अलावा लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी, मीसा सभी पर जमानत पर हैं। केस की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। इस मामले में ईडी की चार्जशीट को लेकर जदयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है तो बीजेपी से भी तमाम नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत अन्य आरोपियों पर ईडी की चार्जशीट को लेकर जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं विजय चौधरी ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी का काम है जांच करना और वो कर रही है और जो अपराध किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये तो कानूनी प्रक्रिया है और वो चलती रहती है, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें, टेंशन बढ़ती जा रही है। बता दें कि 13 अगस्त को सुनवाई होगी और अब इस कारण से जो है राजद में कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल दिख रहा है। अब जिस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ रही है, ईडी ने पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर कर दी है और 13 अगस्त को इसकी सुनवाई हो रही है। आपको हमने बताया कि तमाम नेता की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर एक विस्फोटक बयान या फिर कहिए तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की घेराबंदी कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को अब ये सोचना चाहिए कि जो ऐसे लोग अपराध कर रहे हैं, जिनके डीएनए में अपराध है, वो बिहार की जनता को कैसे खुश कर सकते हैं, राजनीति में कैसे रह सकते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव में कॉम्पिटिशन होता है कि कौन अपराध में सबसे आगे रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार, आप खुद चल के सुनिए। तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल हो चुका है, उनके परिवार के अन्य 11 लोगों के ऊपर भी हुआ है, उनके कुछ साथियों के ऊपर में। दरअसल ये आदतन भ्रष्टाचारी हैं, आदतन अपराधी हैं, इनके डीएनए में ही अपराध और भ्रष्टाचार है। ऐसे लोगों को राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए, राजनीति के नाम पर कलंक है ये लोग। और बिहार की जनता को भी सोचना चाहिए कि ऐसे आदतन परिवारवादी अपराधी जो कि पूरा परिवार ही अपराध भ्रष्टाचार में लगा हो, इसको जगह देना चाहिए राजनीति में या नहीं, बिहारी जनता को यह सोचना पड़ेगा। दरअसल लालू और तेजस्वी में आपाधापी लगी है, कंपटीशन लगा है कि लूटने में कौन आगे बढ़ता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।